वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे जियो प्रोसेसिंग टूल में डिफरेंट डिफरेंट टूल है, जैसे बफर है, क्लीव है, इंटरसेक्ट है, यूनियन है, तो हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टडी करते हैं जियो प्रोसेसिंग टूल्स। तो ये है हमारा सूरत डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट डिफरेंट तालुका है, तो उस पर हम राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे। देन ये जो तालुका है उसमें से आप कोई भी आपका जो स्टडी एरिया है या कोई भी आपका रिसर्च एरिया है तो आपको वो क्लिप करना है, तो उस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ बैकग्राउंड में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया है तो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके डाटा डाटा एंड देन एक्सपोर्ट डाटा आउटपुट फाइल है उसका हम नाम रख देते हैं मांडवी, देन ओके, यस। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो एरिया है वो क्लिप हो गया है। ये क्लिप हो गया। देन बफर टूल है, तो जैसे ये इनपुट फीचर्स में हम मांडवी डालते हैं, देन लीनियर यूनिट वो मीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है, मिली मीटर है, नॉटिकल माइल्स है, तो वो अपने हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी ये किलोमीटर यूज़ करना है और ये जो ए एरिया है उसकी हम बफरिंग करते हैं 5 किलोमीटर की रेंज पे, एंड सिलेक्ट ओनली आउटसाइड ओनली, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी बाउंड्री है उससे ये 5 किलोमीटर की रेंज में हमने बफरिंग किया है। आप वो मेजर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखिए ये एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है। तो ऐसे हम एक और बफरिंग लेते हैं और वो लेते हैं हम 2.5 किलोमीटर की रेंज पे, और यहाँ पे मीटर की जगह किलोमीटर कर देते हैं, देन यहाँ पे आउटसाइड ओनली, देन ओके। तो ये 2.5 किलोमीटर की बफरिंग है, तो आप ये देख सकते हैं अभी हम इंटरसेक्ट टूल का यूज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट फाइल ऐड कर लेते हैं।
ये हमारी दो फाइल है, लिनामेट फाइल एंड ड्रेनेज फाइल। तो इसमें हम इंटरसेक्शन का यूज़ कैसे करें, जैसे ये फॉल्ट है और ड्रेनेज है, तो वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमें चाहिए। सो चलिए प्रोसेस जियो प्रोसेसिंग टूल एंड देन सिलेक्ट इंटरसेक्ट, और ये जो इनपुट फीचर्स है उसमें हम दोनों फाइल इनपुट करेंगे। एंड देन ओनली FID एंड इनपुट में पॉइंट, देन क्लिक ओके। वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया है, हम उसका जो क्या बोलते हैं ये सिंबल चेंज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें जहाँ पे फॉल्ट एंड फोल्ड और ड्रेनेज वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमें मिल गया है, ये आप देख सकते हैं। और वो पॉइंट का हम आइडेंटिफाई यूज़ करके उस पॉइंट का लेट लॉन्ग भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चलते हैं डेसिमल, और या फिर आप डिग्री डेसिमल और डिग्री मिनट सेकंड भी यूज़ करते हैं, तो हम डेसिमल डिग्री यूज़ करते हैं। देखो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हमें लैट लॉन्ग भी मिल गया है। ऐसे आप हर एक पॉइंट के लैट लॉन्ग निकाल सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है इसका हम देखते हैं, देखो ये आपको उसके भी लैट लॉन्ग मिल गए, और ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब डिग्री मिनट सेकंड उसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम इंटरसेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं यूनियन टूल का। तो जियो प्रोसेसिंग टूल में यूनियन टूल कैसे यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट एड डेटा में जाके हम फाइल एड कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास द्वारका डिस्ट्रिक्ट का सोइल मैप है और लैंड यूज मैप है। तो ये दोनों को हमें यूनियन करना है, तो नाउ वी गो टू जियो प्रोसेसिंग टूल एंड सिलेक्ट यूनियन एंड इनपुट बोथ फाइल सोइल एंड लैंड यूज एंड देन क्लिक ओके। वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ये हमारी फाइल यूनियन हो गई है,
ओपन एट्रीब्यूट टेबल। आप यहाँ पे दोनों फाइल देख सकते हैं, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं और लैंड यूज क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। देखो ये सोइल टाइप है, जैसे ये लोमी टाइप है, फाइन है, क्ले टाइप है एंड देन ये जो है लैंड यूज टाइप है, जैसे एग्रीकल्चर है, वेस्ट लैंड है, बिल्ट अप एरिया है, वाटर बॉडीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारी फाइल यूनियन हो गई है। अभी हमें क्या करना है, ये जो फाइल यूनियन हो गई है हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरिया के नीचे विच टाइप ऑफ सॉइल आर एग्जिस्टिंग। सो फर्स्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट, देन डिस्क्रिप्शन एल वन, देन इज इक्वल टू एंड गेट यूनिक वैल्यूज। तो यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट टाइप का जो दिया है, एग्रीकल्चर, बिल्टअप, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड एंड अदर्स, वेस्टलैंड, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम अभी सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया के नीचे विच टाइप ऑफ सॉइल है वो देखना चाहते हैं। सो क्लिक ऑन एग्रीकल्चर, and then select and now select get unique value। तो ये first हम लेते हैं कि agriculture में clay type की soil कितने area में cover की गई है। click clay and then apply, sorry यहाँ पे इज इक्वल टू रह गया, इज इक्वल टू देन अप्लाई। तो आप देख सकते हैं यह जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके नीचे क्ले टाइप की सोइल है वो कवर की है, मतलब उसके नीचे क्ले टाइप की सोइल है। अभी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर लोमी टाइप की सोइल कितनी है। देखो ये जो एरिया है वो लोमी टाइप की सोइल से कवर किया है। तो ऐसे आप डिफरेंट जैसे बिल्ट अप एरिया है तो बिल्ट अप एरिया के नीचे किस टाइप की सोइल है वो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ये यूनियन टूल का यूज किया है। थैंक यू गाइस।